हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको एक लिस्ट दिखाने वाला हूं, और वो लिस्ट चाहे वो आप अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अभी आप परीक्षा दे चुके हो, या फिर आगे आप परीक्षा देने वाले हो, इन सभी के लिए वो लिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है भाई। उसके बिना कुछ भी जो है संभव नहीं है। तो हम आज उसी लिस्ट पर बात करेंगे, वो लिस्ट हम आपको दिखाएंगे, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको कोई चीज दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, ये मेरे चैनल का एनालिटिक है, और यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई 86% लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई ऐसा क्या आपको नहीं देता हूं चैनल पर जो आप लोग एक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते हैं? सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जरूरी सूचना मिलती रहेगी। जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी सुई के नोक के बराबर की अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपको कोई नहीं देगा सिवाय मेरे। और मैं बहुत सारे लोगों की मदद इंस्टाग्राम से, कॉल के जरिए, बहुत सारे लोगों के पास नंबर भी पहुंच जाता है कॉल के जरिए, सबसे कहीं ना कहीं तरीके से जिसको कोई भी समस्या आती है वो मुझसे सीधा संपर्क कर सकता है और उसकी समस्या का समाधान मैं करता हूं। तो आपसे बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए। बस जो ये 86% है ना, इसको बिल्कुल नीचे कर दीजिए। ज्यादातर जो वॉच टाइम है वो आना चाहिए मेरे सब्सक्राइब वाले, जो सब्सक्राइबर हैं उनसे आना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को देखकर सब्सक्राइब जरूर करें। चले दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के अगले पोर्शन पर और आपको बताते हैं कि कौन सी लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं और वो लिस्ट आपके लिए कितनी जरूरी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई, हमारे पास जो है, मैं कोई हाथ की बनी हुई लिस्ट आपको नहीं दिखा रहा हूं। हमारे पास वो लिस्ट है जो आपको मिलेगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, कितने ज़रूरी हैं, और ऐसे 13 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। इनमें से अगर एक दो नहीं होगा, वो कौन सा नहीं होगा ये मैं बताऊंगा आपको वीडियो में ही, तो बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर कौन सा नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा, और अगर कौन सा नहीं होगा तो एडमिशन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको भी क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है आवेदन की जो प्रति है, वो आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था उसकी आपको जो प्रति चाहिए, फोटोकॉपी उसकी होनी चाहिए। आपने प्रिंटआउट निकाला होगा तो आपके पास उसकी फोटोकॉपी होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर है क्लास 3rd, 4th, 5th की अंक तालिका, यानी कि आपकी मार्कशीट क्लास 3rd की 4th की 5th की, भाई जिसके पास नहीं है वो बनवा ले। उसके बाद कक्षा 5 की TC चाहिए आपको, यानी कि क्लास 5th की आपको TC बनवानी है, चाहिए बिल्कुल काउंटर साइन। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, OBC, SC और ST वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ये आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। छठे नंबर पर है आपका आय प्रमाण पत्र, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। उसके बाद सातवें नंबर पर प्रवेश फॉर्म, एडमिशन फॉर्म प्रारूप पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। ये आपको जब मिलेगा, जब आपका नंबर आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आप पहुंच जाएंगे वहां पर, आपको दिया जाएगा भरने के लिए, वो आप घर पे लाएंगे और भरने के बाद आप जमा करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड की छाया प्रति, यानी आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद छात्र की 4 फोटो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। उसके बाद माता पिता और जो मिलने वाला गार्जियन होता है उसकी लगभग 4 फोटो चाहिए। वहाँ पर माता पिता की फ़ोटो लगती है, जो अभिभावक यानी कि अगर माता पिता नहीं है तो गार्जियन जो है उनकी 4 फोटो चाहिए। शपथ पत्र, एक नोटरी आपको बहुत ज़रूरी है देना वहाँ पर, 10 रुपये की स्टाम्प पर बना होना चाहिए। अंडरटेकिंग, जो भी वहाँ पर ये सूचनाएँ आपने प्रदर्शित की हैं वो सब पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। इसमें एक जो है डॉक्यूमेंट आपका लिखा नहीं है लेकिन वो वहाँ पर मांगते हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन वो वहाँ पर मांगते हैं, वो होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बहुत ज़रूरी है बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने साथ में रखें। अब मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो है
आपका कौन सा सर्टिफिकेट नहीं लिखा है वो है आपका रूरल एरिया सर्टिफिकेट। ये सारी की सारी चीजें आपको कहां भरी मिलेंगी, ये भरी मिलेंगी एडमिशन फॉर्मेट में। एडमिशन फॉर्मेट में जो आपका प्रवेश फॉर्म होगा उसमें आपका रूरल एरिया सर्टिफिकेट भी लिखा होगा और ये सारी चीजें आपको वहां पर देनी पड़ेंगी। रूरल एरिया सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा और आपने फॉर्म रूरल एरिया सर्टिफिकेट से डाला है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये आप नोट करके रख लीजिएगा। क्योंकि लास्ट ईयर एक ऐसा केस हुआ था जहां पर बच्चे का सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ लेकिन उसका रूरल एरिया सर्टिफिकेट ना होने की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया। तो ये 13 से 14 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हर हाल में होने चाहिए, कंप्लीट फाइल बना लीजिएगा। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राहुल चौधरी को याद करिएगा जब भी आपको जरूरत हो नवोदय विद्यालय से संबंधित। जय हिंद।